धन वाहिगुरु साहिब जीओ, जन्मे का फल क्या गणी, जा हर भगत ना पाओ। पैंदा खादा बाद है, जा मन दूजा पाओ। जन्मे का फल क्या गणी, जा हर भगत ना पाओ। पैदा खादा बाद है, जा मन दूजा पाओ। वीखण सुनना झूठ है, मुख झूठा आलाओ। नानक नाम सलाही तू, होर हौमै आवो जाओ। वीखण सुनना झूठ है, मुख झूठा आलाओ। नानक नाम सलाही तू, होर हौमै आवो जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म की दुनिया विच मनुखा जामे नूं दुर्लभ अते बड़ा कीमती अमोलक बयानिया गया है। जितने भी जीव जीउंदे ने, जन्म ते सारियों कोल है, जन्म ते सारियों कोल है, पर सब तो कीमती जम केवल मनुख का मनिया गया है। उसका कारण है क्योंकि ये जिम्मे एक जिम्मेवारी है। अगर मनुख चाहे तो ये रब बन सकता है, परमेश्वर निरंकार विच अभेद हो सकता है। बाकी किसी को अवसर नहीं है, किसी को समा नहीं है। इसे भी कुरबानी विच मनुखा जिंदगी बारे तो बहुत बचन आए हैं। वार वार सतगुरु सानू सचेत करते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार, ज्यों बन फल पाके भोएंगे रह, बहर न लागे डार। फफा फिरत फिरत तू आया, दुलभ दे कल युग में पाया। फिर ए अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान न हुई, एको एक एक जपो जप सो। वार वार जिक्र है, सतगुरु आखते ने कहते इस जिंदगी के जिम्मे एक फर्ज लगे है, ये परमेश्वर विच अभेद हो सकता है। और जिहड़ा मनुख जिंदगी पाके रब्बी राह ते नहीं तुरदा, बंदगी नहीं करता, साईं दा शुक्र नहीं करता, उस प्रति फटकारां दा भी बहुत जिक्र है, बहुत जिक्र है गुरबाणी विच। ये भी अमृत बचन तुहानूं याद होणगे, बहुत वारी पढ़दे हो। साहिब जी आखते ने कहिंदे भलिया दुलभ दे आई वडभागी, नाम ना जपै ते आत्म घाती। मरना चाहे जिन्हें बिसरत राम,
नाम बिहून जीवन कौन का, खात पीत खेलत हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक श्रृंगार। जो न सुने जस परमानंदा, पश पंखी त्रिकत जोन ते मंदा। हर नाम न जपे साधु संग, तै तन उड़े खे, जिन कीती तिसे ना जानी, नानक फिट अलूनी दे। इते पशु प्रेत मुक्त ते बुरी है, जे किते अपने साईं नाल नहीं जुड़ती, मालक नाल नहीं जुड़ती। पशु प्रेत मुक्त ते बुरी, तिसे न चेते जिन के सिरी, जीने के बनाई तो उसे नु चेते नहीं करता बंदे, उसे का धन्यवाद नहीं करता। सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन बख्शिश किए ने। हजूर आखते ने कहने आ मैं तेन दिखाव, आम करके असि बुरे कर्म करने वाले अपराधी गिणते हैं। हजूर कहने तेन भुलेखा है, जेड़ा मालिक के चरणों की इबादत नहीं करता वह हर बंदा अपराधी है, भावे अपराध करता है तो नहीं करता। एक बहुत बड़ा अपने आप में अपराध है, जिस मालिक ने तेनों साजिया सवारिया तो उसे ना नहीं लेगा। बचन बड़ा प्यार, बामण कैली घात कंजक अणचारी का धान, इतने थोड़े अर्थ करते हैं पकड़ में आ जाएगी गल। इतने घात शब्द साझा है, कहते किसी ब्राह्मण का घात करना, ब्राह्मण तो मतलब किसी धर्मी बंदे की हत्या कर देनी, इतने किसी कास्ट नाल संबंधित नहीं। कैली का मतलब है गां, किसी गरीब नूं मार देना जिहदा कसूरी कोई ना होवे। धर्मी पुरख की हत्या करनी, किसी गरीब की हत्या करनी। कंजक अपनी बेटी नूं, पुत्री नूं, धी नूं मार देना। इत्थे वसणी अणचारी का धान, कहिंदे मनुख बुरे कर्म करन वाले लोगों दे कोल पैसा लैंदा होवे, बुरे कर्म करके पैसा कमाउंदा होवे, किरदार ना होवे उहदा, फिटक फिटका कोड़ बदिया सदा सदा अपमान। कहिंदे कोई बंदा किसी धर्मी पुरख की हत्या कर दे, किसी गरीब की हत्या कर दे, अपनी बेटी की हत्या कर दे, माड़ा कम करके पैसे कमाता हो, लोग थां थां के फिटकारा पाते होने कोल कोई ना खड़ा हो, ते उदा जीवन नरक वर्गा होवे, इत्थे बसनी हजूर कहिंदे उस मनुख दे विच हंकार होवे, वो हले भी किसी नूं सियाणदा ना होवे, अपने अंदर ना समझदा होवे, कहण लगे इन्ने पाप इन्ने गुनाह उस बंदे दे गिणे जांदे ने जिहड़ा उठ के रब नूं इक वारी धन्नवाद भी नहीं कहिंदा। बामण कैली घात कंजकां अणचारी का धान, फिटक फिटका कोड़ बदिया सदा सदा अपमान। पाहे एते इन्ने ज्यादा, पाहे एते जाहे विसर नानका एक नाम, जिन्हां नूं नाम भुल गया इन्ने अपराध करदा बंदा, मालक का नाम ही नहीं चेते करता। सौ उलमे दिने के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के कुरंगी लगा हंस। कहन लगे केड़े कुरंगा नूं लग्या, भाव केड़े बुरे कर्मां विच फसिया बंदे आ। उस मालिक दा धन्नवाद करना सी जिहड़ा तैनूं हवा दिंदा है, उहदा धन्नवाद करना सी जिहदी कृपा नाल पाणी पीना है, उहदा धन्नवाद करना सी जिहदी धरती ते फिरना है, उहदा धन्नवाद करना सी जिहदी रोशनी बरतदा है, उहदा धन्नवाद करना सी जिन तों साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, उहदी इबादत करनी सी, उहदा शुकर करना सी। एक बचन मैं होर कहना चाहुंदा, आसक की वार का बचन है,
बड़ी बारी थोड़े कन्ना ने छूया होगा। हजूर केंद्र ने केंद्र एक तेन में तस्वीर विखा है, कुछ चीजा ऐसा ने जड़िया लम्बा समा खराब नहीं होंदिया, उन्हों कोई नफरत नहीं करता, गिणिया ने सच्चे पातशाह अन्न देवता पानी देवता वह संतर देवता लून पंजवा पाया कित अनाज लम्बा समा सामभ के रखते ने लोग गोदामा च पे आप देखने अक्सर पानी अग घ्यो ये लम्बा लम्बा समा खराब नहीं होंदिया चीजा अक्सर वरतने पर साहब केंद्र इन्हों तो बनिया भोजन मनुख ने खा लिया जिन्ना चेर उन्हें मनुख का संग नहीं सी कीता बड़े चंगे मने जाते सन मनुख का संग किया अठा सत्ता घंटिया गंदगी का रूप दे दिता बंदे ने कह लगे हूँ जिथे गंदगी पई हो उत्थे आम शिष्टाचार बंदा जिहड़ा अपने आप नूं चंगा समझदा है उत्थे ठुक्कर सुट के जांदा वी गंदगी पई है। सब कहिंदे तैनूं लगदा होएगा वी उह ठुक्कां गंदगी ते ने नहीं भलिया, उह ठुक्कां गंदगी ते नहीं, उह ठुक्कां उस मनुख दे मूंह ते ने जिन्हें बिना रब दा शुकर करिया इहो जिहे चंगे पदार्थां नूं गंदगी दा रूप बना दिता। गंदगी का रूप तो फिर भी बन जाना सी पर फिर उस मनुख नूं लाणता नहीं सी पैनिया जिहड़ा साईं दा शुकर करदा है, खांदा खांदिया खांदिया मूंह कट्ठा पहनदिया सब अंग त्रिक तिन्हां दा जीवे आ जिन सच न लगो रंग। हजूर ने अज सानूं ताड़ना कीती है, ये गुरु नानक साहब के बचन आप रोज विचारते हैं। जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ, तेरे जन्म लैण का की लाभ होया, मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनेक साज शिंगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। कहिंदे तेरा खाना पीना शिंगारना इवें ही है जिवें मृतक नूं शिंगारिया होंदा है। जे साईं नाल भावना नहीं जुड़ी उस मालिक दीआं दित्तीआं दातां दा कदे धन्नवाद नहीं कीता। जन्मे का फल क्या गणी की लाभ होया तैनूं दुनिया विच आउण दा, जा हर भगत ना पाओ। एक एक शब्द गुरु जी का बड़ी विचार वाला होंगे, जा हर भगत जे तेनू रब की भगती नहीं चेते रही। पर नाल एक शब्द होर वरतिया संदूर ने पाओ, कह लगे तेनू भगती नहीं सी करनी आती जिस मालिक ने सब कुछ दिता उन्हों प्यार ही कर लेंदा। एक गल चेता रखियो प्यार दे विच कुछ खूबियां ने, पहली खूबी है प्यार की जिहड़ा प्यार करने वाला कदे मैं नहीं कहता, वह सिर्फ तू कहता है क्योंकि उन्हें प्यारा ही इन्ना लगन लग पैंदा अपना प्यारा। दूजी गल प्यार दे विच एक यह भी खूबी है जिहड़ा प्यार करता है ना वह अपने प्यारे नूं नहीं कहता भी तू मेरी खातर बदल, वह कहता मैं तेरी खातर बदलांगा। जीवन तब्दील होता। तीजी गल जो प्यार हो उदो छोट वड्याई खत्म हो जाती है, गलवकड़ी पाके मिलते हैं, प्यार को कदे उच्चा नहीं मन किया जा सकता, प्यार बराबर कर देंगे। साहब कहते बंदिया रब न प्यार ही कर लेंदा, तेनू मैं कहने की आदत खत्म हो जानी सी, तू कहने की आदत पै जानी सी, तू रब न प्यार ही कर लेंदा, नहीं कुछ भी तेनू आता कुछ भी नहीं सी आता, तेनू नहीं पता मैं किहड़ा नाम जपा, तेनू नहीं पता मैं किहड़े धार्मिक स्थान ते जावां, रब ने जो दिता उहदा धन्नवाद ही कर लैंदा प्यार ही कर लैंदा। तेनू अपने आप जी करन लग जाणा सी, रब मैं तेरी भी साजा सवारा अपने आप नूं
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਈ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕ ਪਛਾਣੀ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਾ ਮਨ ਦੂਜਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਸਿਓ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਮਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਣਦਾ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਬੂਤਰ, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਕਈ ਅੱਛੇ ਜੀਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੈਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਭਈ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖਦਾਰ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਝੁਕਾ, ਪਰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਦੇ, ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਬਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਨਾਜ ਖਾ ਕੇ ਘਰੇ ਮੰਜੀ ਤੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਹਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਝੂਠਾ
आ लाओ। तीन चीजा तेनू रब दे बहुत नेड़े कर सकदियां सन, तीन चीजा तेनू रब दे बिल्कुल नजदीक कर सकदियां सन। उन्हां चों पहली गल सुनना, ये गल चेता रखे, सुन विच कुछ भी अपना नहीं करना पैंदा, सिर्फ बस सुनना है। बोलने वाला भी तैयारी करे, मैं तो सुन लें, पर बंदा सुन भी ना सकिया। जे कि तेनू कन्ना कले कन्ना वरतन की जात आ जाती, तेनू सुन की जात आ जाती, कला सुन के भी मालिक के चरणों में भेद हो सकता सी। बाबे लैणे ने शब्द सुने ही सी, उन्हें कहा गुरु नानक साहब ने देखा सी, देखा तो बाद में ते साहब ने सुन की वह गल पहला की है। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया देखिया सिर्फ फिर गरबास न भरिया। सुनते रहता सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का जाओ। सुन लेंदा सुन सुन के तेरे मन अंदर एडा चा पैदा हो जाना सी भी मैं मालिक नूं देखा। मैनू नहीं लगता इतों सौखी बंदगी की गल कोई समझा सकता। कहने मनिया तेनू कन्ना नहीं आदत पई, नहीं तू कन्ना वरत सकिया, अखा ही वरत लेंदा। वेखण कितने तेनू वेखण की जाच आ जाती, तक लेंदा किन्ना कुछ अपनियां अखां नाल वेखिया। हर चीज तेरे अंदर कोई विकार तो पैदा कर सकती है, पर हर देखी कोई चीज तेरे अंदर निरंकार पैदा नहीं कर सकती। जे कितने तू गुरु नूं देख लेंदा, यकीन करके जानी तेरे अंदर निरंकार पैदा हो जाना सी। तेनू वेखण की जाच बिना आई, तेन सुनन की जाच बिना आई। तीजी गल कहते चलो नहीं देखिया नहीं सुनिया, तू तो बंदिया बोलना भी नहीं सीख सकिया, तू तो बोलना भी नहीं सीख सके। मैं एक हाथ जोड़ बेनती कर लगा, कितने कितने मैं थोड़ा स्पैशल ध्यान मंगना, ये भी ख्याल करे। बंदा एडा चलाक है ना, जिहड़ी गल दिल च है जबान उत्ते आउण ही नहीं दिंदा, जिहड़ी गल जबान उत्ते है दिल विच जाण ही नहीं दिंदा। मैं इत्थे कथा करनी है तुहाडे कोल, हुण गल्लां तां मैं सारियां चंगियां करना, लेकिन मेरा खुद का जीवन तो चंगा बनेगा जड़िया मेरी जुबान ते ने, जे मेरे जीवन विच भी आ गई तां नहीं। नहीं ना तो यह बंदा जुबान दियां गल्लां दिल च ले जांदा, ना दिल आलियां जुबान ते आउण दिंदा, या दिल आलियां जुबान ते लिया यही कहदे भी हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, कहदे मालिक नूं भी मैं उपना दा भरिया होया, दिल वालियां ही जुबान ते लै जे ये नहीं कर सकता। ना तो बंदा दिल वालिया जुबान से आन दिता, ना जुबान वाली दिल च जान दिता। पता किमें लगता अपन, पता उदो लगता जदों कहने भी ये झूठ, यदा पता नहीं लगता, यदा ना को टेस्ट करवाओ, यदा टेस्ट करवाओ, इनू बेहोश करके जो लुका ना सके गल, इनू बेहोश करके इनू समोहक नींद में सवा के फिर ये पुछो तो याद रखो, जो उदो बंदा सच बोलता है, क्योंकि उदो कंट्रोल नहीं होंदा भी मैं किमें लुकाउणियां दिल दियां गल। उदो सारा नार्को टेस्ट में सारा कुछ ही प्रगट हो जाता भी ये बंदा ये कम करता रहा। साहब कहिंदे तैनू बोलण की जाच बनाई, कितने बोल लेंदा, जिन्हां ने बोलिया है ना वो गुरु कोल बहुत कुछ ले गए, सिर्फ उन्होंने बोलिया। बच्चा मत्था टेकिया गुरु ने गोद में बिठा लिया, कहन लगे तेरा नाम की है,
ना तो सी योधा पर बोलना होया बच्चा सी कहिंदा जोगा। सतगुरु कहिंदे किहदे जोगा? कहिंदा सतगुरु तेरे जोगा। आ बच्चा नहीं बोलिया सी और कुछ नहीं किया। गुरु की प्रीत ते जोगे की प्रीत इतिहास के पन्निया ते लिखी पई है। सिर्फ बच्चा नहीं बोलिया सी ना। एक जवान गुरु चरणा में आया अपने मापिया नाल, मापिया ने परिक्रमा की, उस नौजवान ने परिक्रमा की, मत्था टेकन लग्या। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछ लिया, कहन लगे जवाना बड़ी वधिया सेहत बनाई है, की ना है तेरा? कहिंदे सतगुरु दीपा। हजूर कहन लगे तेन तेरे नाम का अर्थ पता है? कहना हाँ सतगुरु। कहन लगे दीपा का अर्थ होंगे जान देने वाला। सिर्फ कहते वो जान देने वाला कौन होंगे? जिदे अपना ही दीवा बुझा हो, वो दीवा चानन थोड़ा दे सकता, वह ना ही दीवा होंगे, वो चानन नहीं दे पाता जरा बुझा हो। गल नहीं कोई कह सकता। उन्हें नौजवान ने हाथ जोड़े कहते फिर जगा दो। सतगुरु कहने जगा देने। कहन लगे यहो जहा जगाई जरा घर जाके बिना बुझे? हजूर कहन लगे यहो जहा जगावेगा जो तू भी चला गया उदो भी नहीं बुझेगा। दरबार साहब मत्था टेकन जाए जे परिक्रमा च बैठा बाबा दीप सिंह अज भी लोगों ने दसद भी मैनु गुरु गोबिंद सिंह ने जगया सी, मैं अज भी जगदा ही नहीं। तेन बोलना बिना आया मना, मनिया तेन वेखन की जात नहीं सी, मनिया तेन सुन की जात नहीं सी, तू बोल ही लेंदा। मानो आवाज मार के तो देख मां लेखा जोखा थोड़ा कर दी भजी आती है। तू रब नू आवाज मार के तो देख। कबीर केसो केसो कूकी है, ना सोई है आसार, रात दिवस कह कूकन है, कबू के सुने पुकार, भजिया आएगा रब ते भजे आएगा। तू प्यार तो करके वेख, तेनू तो बोलना भी ना आया। नानक नाम सलाही तू होर होमे आवो जाओ। कहन लगे जेटा नाम दी रब्बी वडियाई करना है फिर तो सच करके जानी, तेरा जन्म लेना साकार था है। मालिक के घर भी तेन सम्मान मिलेगा। रेड़े दर के कह ना कहू, आओ बैठ अद शुभ देव। ते दुनिया भी तेरी तारीफ विच कहेगी भी धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुहाओ, जन के संग चित आवे नो। लोग भी कहेंगे परमेश्वर के दर से भी वडियाई मिलेगी। शिव जी आखते ने पर कहेंगे ता जीतू नाम नू सलामे होर होमे आवो जाओ, नहीं तो फिर तू हंकार विच ही जिंदगी गुजार के तुर गया है। हंकार विच ही हौं विच जमया, हौं विच मुगा, जो हौं विच ही जमया सी हौं विच ही चला गया। कह लगे दुनिया विच रबी इबादत करन वाले, निरंकार के चरणों में जुड़न वाले, मनुखा जिंदगी की कीमत नू समझन वाले बहुत थोड़े लोग ने। आ देखो गुरु साहब की कृपा, एको ही पंक्ति है पर एक श्लोक है पूरा, एको ही पंक्ति है इस श्लोक है, ये बारहवां श्लोक है गुरु नानक साहब जी का। बहुत संगत नू याद है शब्द, हैन बिरले नाही घने, फैल फकड़ संसार। कह लगे जिन्हां ने जिंदगी दे विच मालिक का शुक्र करना, मालिक का धन्नवाद करना, साईं दे चरणां विच जुड़ना सिख लिया, इहो जे बिरले ने। निस्किन माया कारणे प्राणी डोलत नीट, कोटन में नानक को करोड़ा मिचो, कोटन में नानक को नारायण जी चीत। जग में उत्तम काढ़िए विरले गई के, जेड़े उत्तम लोग ने दुनिया विचों
कोई विरला है, हर कोई नहीं। धार्मिक दुनिया में भीड़ बड़ी है, कोई दो राव नहीं, पर जिन्हें अपनी जिंदगी के मकसद को समझ लिया वो कोई विरला है, किसी विरले ने जाने। एक बीबी समुंदर के किनारे फिर रही है, सादगी जी वाले कपड़े ने, सादगी जी वाला जीवन है। एक मां अपने बच्चे को परिवार को लेके गई सी, वो भी उत्थे घूमती, वो छोटा जिहा बच्चा खेडदा है, तो भज के जाके उन्हें बच्चे की बांह पकड़ी, उस बीबी नूं झिड़कण लग पई जिहड़ी सादी सी। कहन लगी तुहाडे वर्गियां बीबियां बच्चे चुक लै जांदियां ने, अपने बच्चे नूं भी झिड़किया, तूं इहदे कोल नहीं जाणा, होर कईआं नूं झिड़किया। किन्ना ही कुछ उस बीबी बारे च बोल के इस मां ने, जदों तुरन लगी फिर भी एक गल कहती, कहती तू बोलती क्यों नहीं, चुप करी खलोती है, देखने बड़ी भली मानस लगनी है, लोगों के बच्चे चुक दी होएगी जिवें तेरे हालात लगते हैं। बीबी ने सिर्फ दो शब्द बोले, दो ही लाइनां बोलिया, कहती भैने मैं बच्चे नहीं चुकती, मैं इतों कच चुकती है, ताकि कोई मां जिमें भरी हुई गोद नाल आई है उमें भरी हुई गोद नाल वापस जाए, किसी के बच्चे का नुकसान ना हो, मैं इतनी फिर के कच चुकनी है। कई बार बंदे अपने बोले हुए बोलों से भी बहुत शर्मिंदगी होती है। छोटी जी एक गल होर कह दें, फिर इतों ही गल शुरू करा। भगत पूर्ण सिंह पिंगलवाड़े वाले किसी अमीर घर मंगण चले गए, उन्हें बड़ा कुछ बोलिया, बड़े चंगे मंदे शब्द, बहुत जो बोल सकता सी बोलिया। भगत पूर्ण सिंह अडोल खड़े रहे, आखिर ते कहन लगे भी जिन्ना कुछ तुसी बोलना सी ये तो हो गया मेरे वास्ते, पर मैं तो बच्चों वास्ते मंगण आया ना, जेडे भुखे बैठे ने उन्हां लई कुछ दे दे। जिन्ने तुसी शब्द बोले तो मेरे वास्ते ने, मैं झोली पवा ले, मैं तो एक भी शब्द नहीं किया, पर मैं मंगण अपने वास्ते तो आए नहीं सी, मैं तुहानू भुखिया वास्ते मंगण आया, उन्हां वास्ते तो कुछ दे दिओ। अमीर दी अखां च पानी आ गया, तू हाले भी उन्हां लई मंगना। सच करके जाणिओ ऐसे लोग। हुण वो बीबी नूं अपने आप ते बड़ा पछतावा होया, भई मैं इस सादगी वाली बीबी लई माड़े बचन क्यों बोले। दूजे दिन कितने कोई प्रोग्राम सी, सारिया बीबिया ने इकट्ठिया होना सी, किटी पार्टी कह लो जो जिमें मर्जी कोई समागम कह लो, तो हूँ वो बीबी बड़ी उदास है, उन्होंने नाल दिया सहेलियां पुछदियां ने भी तू उदास क्यों, नाले मैं सुनया तुसी कल घूम फिर के आए हो। कहन लगी उत्थे ही उदास हो गई। कहन लगी क्यों? कहन लगी उत्थे एक बीबी सादगी जी वाली फिरदी सी, मैं सोचिया मंगती है शायद कोई, तो किसी के बच्चे चुकती होगी। कहन लगे मैं उन्हें झिड़क दिता, पर वो कहती मैं बच्चे नहीं चुकती, मैं कच चुकती हूँ। जड़िया बीबिया उत्थे आईया सी, कहन लगी करिए तू बड़ा कहर किया। कहते क्यों? कहते उस भैन नूं असीं जाणने, वो बहुत वड्डी अफसर सी, वो बहुत वड्डी अफसर सी, उहदा इक्को इक पुत्र सी, वह भी इवें बीच ते गई सी, वह भी समुद्र के किनारे गई सी, उहदे बच्चे दे कच बज गया, कच बजण करके कुछ समय बाद उहनूं इनफेक्शन हो गई, उहदा पुत मर गया, उहने ड्यूटी छड दित्ती, किसी माँ की गोद सखनी ना होवे, कच ही चुकदी फिरदी है। हैण विरले ना ही कणे, फैर फकर संसार, जिन्होंने जिंदगी के मकसद को समझे है
ऐसा कोई विरला दुनिया च है। गुरु कृपा करे असी अपने जीवन का महत्व समझ के साईं का शुक्र कर सकीए। फुलां दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।